आज आईपीएल 2021 का 53वां मुकाबला पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया और इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में पूरी तरह से बदलाव हो गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सी टीम किस नंबर पर है और वह कौन सी चार टीमें हैं जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी तो बताएंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं चेन्नई किंग की शुरुआत बेहद खराब रही। चेन्नई सुपर किंग ने 20 ओवर में 134 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा 76 रन फाफ ड्यूप्लेसी ने बनाए और पंजाब की तरफ से 2-2 विकेट अर्शदीप और क्रिस जॉर्डन ने लिए। 135 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले को 13 ओवर में 6 विकेट से जीत लिया। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 98 रन केएल राहुल ने बनाए। पंजाब की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में पूरी तरह से बदलाव हो गया है, तो चलिए पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं। वहीं 8वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जिसने अपने 13 मुकाबलों में केवल 3 मुकाबले जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक हासिल किए हैं। और नंबर 7 पर राजस्थान रॉयल्स हैं, जिसने अपने 13 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में 10 पॉइंट हासिल किए हैं। वहीं नंबर 6 पर मुंबई इंडियंस आ चुकी है, जिसने अपने 13 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीते हैं और 12 पॉइंट हासिल किए हैं। वहीं नंबर 5 पर पंजाब किंग्स है, जिसने अपने 14 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में 12 पॉइंट हासिल किए हैं। वहीं नंबर 4 पर केकेआर की टीम है, जिसने अपने 13 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीते हैं और 12 पॉइंट हासिल किए हैं। बाकी बची 3 टीमें हैं जिन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो इस प्रकार है। नंबर 3 पर आरसीबी की टीम है, जिसने 13 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में 16 अंक हासिल किए हैं। नंबर 2 पर चेन्नई की टीम है, जिसने 14 मुकाबलों में 9 मुकाबले जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में 18 पॉइंट हासिल किए हैं। वहीं नंबर 1 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिसने 13 मुकाबलों में 10 मुकाबले जीते हैं और 20 पॉइंट हासिल किए हैं। इसी तरह की क्रिकेट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।